हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुली स्टडी पॉइंट। दिस इज गुलशी इकबाल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा नॉवेल जिसका नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, उसकी समरी और उसकी स्टोरी के बारे में बताऊंगी। ये जो नॉवेल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है, जो एक फेमस इंग्लिश राइटर है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन ऑल द ईयर राउंड ए वीकली periodical founded and owned by Charles Dickens। जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नॉवल है ये ऑल द ईयर उसमें पब्लिश किया गया। ये सन 1860 में लिखा गया और इसको अगस्त सन 1861 में पब्लिश किया गया। इस नॉवल में जो नॉवल का जो हीरो है उसका क्या नाम है, पिप। इस नॉवेल में पिप की स्टोरी बताई गई है, पिप के बारे में बताया गया है। देखिए, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बाय चार्ल्स डिकेंस इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ ए बिल्डन्स रोमन ए नॉवेल डिपिक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए कैरेक्टर यूजुअली अ मेल। इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस द प्लॉट फॉलोज द जर्नी ऑफ पिप। Great Expectations is a Dickens classic with themes of wealth and personal growth, and it's critically noted as one of the best novels. As with most of his novels, Dickens published Great Expectations in a serial form in a periodical before it was published in full. देखिए, Great Expectations ये चार्ल्स डिकेंस का बहुत अच्छा नॉवेल है, जिसका मतलब होता है बहुत सी उम्मीदें। ये पूरा नॉवेल बहुत सी उम्मीदों पर ही डिपेंड करता है और इसका जो थीम है वो भी उम्मीदें यानी एक्सपेक्टेशंस है। इसका जो हीरो है वो पिप है, पिप नाम का एक लड़का, देखिए, जो एक अनाथ बच्चा है। एज द नॉवेल बिगिंस, जैसे ही नॉवेल शुरू होता है, द यंग ऑर्फन पिप, फुल नेम फिलिप प्रीप, जिसका पूरा नाम क्या है, फिलिप प्रीप, इज विजिटिंग हिज पेरेंट्स टॉम्बस्टोन्स इन द चर्च ग्रेवयार्ड। देखिए, जैसे नॉवेल शुरू होता है तो पिप क्या करता है, पिप जो है छुपता छुपाता बचता बचाता अपने माता पिता के कब्र पर जाता है। किससे छुपता है, वहां पर उसको एक क्रिमिनल मिल जाता है, तो उससे बचता बचाता पिप जो है अपने पेरेंट्स की कब्र पर जाता है। He is approached by a convict in rags with his legs in chains who demand Pip to retrieve him food and a file for his chain। देखिए, वहीं पर उसको एक क्रिमिनल मिलता है, वो पिप से कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो और मेरी जो उसके पैरों में जंजीरें पड़ी हुई थी तो और जो मेरे पैरों में जंजीरें हैं इसे काटने के लिए कुछ औजार भी मुझे ला करके दो। पिप फेच द आइटम गिव्स देम टू द कन्विक्ट बट देन स्लिप्स अवे व्हेन द कन्विक्ट आर फाउंड बाय पुलिस। पिप जो है उसको खाना ले जा करके देता है और उसकी जंजीरें काटने के लिए कुछ अपने जो है वो अपने जीजा के गोदाम से कुछ ऐसा औजार ले जा करके देता है जिससे उसकी जंजीरें कट जाती हैं। लेकिन जो कन्विक्ट है, जो क्रिमिनल है, वो उसको पुलिस पकड़ लेती है। तो जब उसको पुलिस लेकर के जा रही है तो पिप जो है अचानक से ही अपने जीजा के साथ जा रहा है, तो वो क्रिमिनल पिप को देखता है और वो कहता है कि रुको, पुलिस वालों से कहता है कि रुको, मुझे इस बच्चे का थैंक यू बोलने दो, क्योंकि कल इस बच्चे ने मुझे खाना ला करके दिया और मेरी जंजीरें काटने के लिए मुझे औजार ला के दिया, रुको, इस बच्चे को मुझे थैंक्स बोलने दो। तो चलिए बात करते हैं अब इसके कैरेक्टर्स की, यानी कि द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, पिप जो है, पिप का भी, फिलिप रिप जिसका नाम मैंने अभी बताया है, थोड़ी सी स्टोरी भी बताई है। अब हम सीरियल वाइज लेकर के कैरेक्टर्स के लिए को चलते हैं।
पिप कौन है? द प्रोटोगोनिस्ट एंड नरेटर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। पिप जो है इस जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नॉवेल है इसका हीरो है। पिप बिगिंस द स्टोरी एज अ यंग ऑर्फन बॉय बीइंग रेज्ड बाय हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ इन द मार्च कंट्री मार्श कंट्री ऑफ कैंट। ये जो स्टोरी है ये जो नॉवेल है ये कहाँ पर सेट किया गया है? लंदन और कैंट में। देखिए इस नॉवेल के बाद, इस वीडियो जब ये पूरी हो जाएगी इसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चंस जो है MCQs यानी कि मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी और उनके आंसर भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको भी सोचना है और ध्यान से देखना है कि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर पाएंगे या नहीं। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को देखते रहें। देखिए पिप क्या है, पिप हीरो है इस नॉवेल के और पिप जो है एक ऑर्फन बच्चा है यानी कि अनाथ बच्चा है। इसके जो माँ बाप है वो गुजर चुके हैं और इसकी जो इसका कौन पिप बिगिंस द स्टोरी एज अ यंग ऑर्फन बॉय बीइंग रेज्ड बाय हिज सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ। इसको कौन पालता है? इसकी सिस्टर, बहन और ब्रदर इन लॉ और जीजा द मार्च कंट्री ऑफ कैंट कैंट में, ठीक है, इन द साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के साउथ ईस्ट में। पिप इज पैशनेट रोमांटिक एंड समवॉट अनरियलिस्टिक एट हर्ट एंड ही टेंड्स टू एक्सपेक्ट मोर फॉर हिमसेल्फ देन इज रिस्पॉन्सिबल देन इज रीजनेबल। देखिए पिप एक पैशनेट रोमांटिक और समवॉट अनरियलिस्टिक एट हर्ट हृदय का है एंड और ही टेंड्स टू एक्सपेक्ट मोर फॉर हिमसेल्फ देन इज रीजनेबल। वो अपने आप से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखता है। पिप ऑल्सो हैज अ पावरफुल कंशंस एंड ही डीपली वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ बोथ मॉरली एंड सोशली। पिप जो है एक पावरफुल कंशंस है एंड वो डीपली चाहता है अपने आप को सुधारना मॉरली और सोशली दोनों तरीके से, ठीक है। तो ये था पिप का कैरेक्टर, ठीक है। पिप जो है पिप एक ऑर्फन बच्चा है यानी कि अनाथ बच्चा है। इसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है। पिप को कौन पालता है? पिप की दीदी और पिप के जीजा जी। दीदी का क्या नाम है यह सब हम अभी आपको बताएंगे, वीडियो को देखते रहें। एस्टेला, एस्टेला कौन है? मिस हैविशम्स ब्यूटीफुल यंग वर्ल्ड। एस्टेला इज पिप अनअटेनेबल ड्रीम थ्रू आउट द नॉवल। देखिए एस्टेला कौन है? मिस हैविशम है। मिस हैविशम्स ब्यूटीफुल इंडिया वार्ड। मिस हैविशम क्या है? वो हमेशा शादी की ड्रेस पहने रहती है, मिस हैविशम जो है इस नॉवेल में कैरेक्टर। उसके साथ क्या होता है कि जब उसकी शादी होती है तो उसका जो मंगेतर है उसका फियांसी उसको छोड़कर चला जाता है यानी कि बारात वापस चली जाती है। तो उसी दिन से मिस हैविशम शादी की ड्रेस यानी कि वेडिंग ड्रेस को पहनकर घूमती है। उसने तो जाहिर सी बात है कि जब उसकी शादी ही नहीं होती, उसकी अपनी बेटी तो थी नहीं, तो एस्टेला जो है उसकी अडोप्टेड डॉटर थी। किसकी? मिस हैविशम की एस्टेला अडोप्टेड डॉटर थी। देखिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहें, आपको वीडियो देखते देखते ही सारे नॉवेल्स के बारे में पता चल जाएगा। मिस हैविशम कौन थी? एक वेडिंग ड्रेस पहने हुए वो लेडी थी जिसकी बारात वापस चली जाती है। इसीलिए वो मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करती है और उसने इसीलिए एक बेटी को अडॉप्ट किया जिसका नाम था एस्टेला। तो वो एस्टेला को क्यों पालती है? एस्टेला को वो इसीलिए पालती है ताकि वो मर्दों से मतलब बदला ले सके। जितने भी मर्द थे वो सभी को नापसंद करती है और सभी को सोचती है कि वो एक ही तरह के होते हैं और उनसे बदला लेना चाहती है। कौन? मिस हैविशम। और मिस हैविशम जो है एस्टेला को पालती है और वो यही सिखा कर उसको पालती है कि मर्द अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। एस्टेला स्पीप्स अनअटेनेबल ड्रीम थ्रू आउट द नॉवेल। और एस्टेला कौन होती है? देखिए नॉवेल को तो समझ लीजिए। पिप जो है पिप की मैंने आपको बताया था पिप एक अनाथ बच्चा है। पिप के माँ बाप नहीं होते हैं तो पिप की दीदी और जीजा जी उसको पालते हैं। पिप की दीदी का नाम है मिसेज जो गारगरी और पिप के जीजा का नाम है जो गारगरी, ठीक है। तो दीदी और जीजा इसको पालते हैं पिप को। पिप अपने माता पिता की कब्र पर जाता है और वह एक अपराधी से मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था नॉवेल जो शुरू होता है पिप से होता है। पिप जो है एक
अपने माँ बाप की कब्र पर जाता है, लेकिन उसे जो है रास्ते में एक अपराधी मिलता है। वो कहता है कि वो जंजीरों में बंधा हुआ था, वो कहता है कि तुम मुझे कुछ खाने के लिए ला करके दो, जो मेरे पैर बंधे हुए हैं इनको भी ला करके खोलो। तो फिर घर जाता है अपने और कुछ खाने के लिए लाता है, और उसके जंजीरों को काटने के लिए भी कुछ सामान कोई औजार लेकर के आता है और उसको काट देता है और उसको खाना भी खिला देता है। ठीक है, उस जो अपराधी है उसका क्या नाम है, एबल मैगविच, एबल मैगविच, MAGWITCH। देखिए ये सारे कैरेक्टर्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं आपको एक मॉरल से एक हिंदी में समरी बता देती हूँ। एबल मैगविच जो अपराधी है, ठीक है, पिप उसको खाना वाना खिला करके आ जाता है, वो पिप भूल जाता है उसके बारे में। लेकिन फिर अगले दिन क्या होता है कि एक तो एबल मैगविच और एक और दूसरा जो क्रिमिनल है, वे दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, तो पुलिस उनको पकड़ लेती है, एबल मैगविच को। तो जब पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, तो जो पिप अपने जीजा के साथ घूमने जा रहा था, पिप की अपने जीजा के साथ बहुत फ्रेंड की तरह बहुत ज़्यादा अच्छे से उन अंडरस्टैंडिंग थी, तो पिप अपने जीजा के साथ घूमने जा रहा था, तो उसको वो जो है वो जो क्रिमिनल है वो पिप को देखता है और कहता है पुलिस वालों से कि रुको, मुझे इस बच्चे को थैंक यू बोलने दो, क्योंकि इसने कल मुझे खाना ला करके दिया था। तो वो उसको थैंक्स बोलता है और फिर चला जाता है। फिर पिप की जो बहन है, पिप की बहन का क्या नाम है, मिसेस जो कारगिरी, वो एक बहुत गुस्सीली बहन है उसकी, बहुत पिप को बुरा भला कहती है। लेकिन जो पिप का जीजा है वो पिप को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और दोनों की एक दूसरे से बहुत ज़्यादा पटती है। फिर एक दिन क्या होता है, एक पिप का अंकल होता है मिस्टर डंबल चूक, जो पिप के घर आता है, यानी कि उसकी दीदी को कहता है कि मैं पिप को नौकरी दिलवा सकता हूँ, यानी कि एक औरत है जिसके घर पे पिप रह करके काम कर सकता है। तो उसकी बहन जो है पिप की, जो गारगेरी, मिसेस जो गारगेरी, वो तुरंत मान जाती है और पिप को फिर मिस हैविशम के घर भेज देती है काम करने के लिए। तो जब पिप मिस हैविशम के घर जाता है, तो वहाँ पर एस्टेला को देखता है। एस्टेला कौन है, अभी मैंने आपको बताया, एस्टेला जो है मिस हैविशम की एडॉप्टेड डॉटर है, जो बहुत सुंदर है। पिप उसको देखते ही पसंद कर लेता है और उससे प्यार करने लगता है और उसको पाना चाहता है, लेकिन एस्टेला उसको रिजेक्ट कर देती है और उसको गरीब और अनपढ़ कह करके बुलाती है। तभी पिप डिसाइड करता है, और उस मतलब कि वो भी शायद पढ़े, लेकिन वो अपनी गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाता है, या उसकी दीदी जीजा उसको नहीं इतना पढ़ा पाते हैं, तो वो अपने स्टेटस से नफरत करने लगता है। फिर एक दिन क्या होता है कि ओरलिक, एक नाम होता है ओरलिक, ओरलिक जो एक नौकर है, पिप की बहन के सर पे कुछ मार देता है, जिससे पिप की बहन की मेमोरी चली जाती है। तो पिप एक बीडी है, बीडी कौन है, बीडी पिप की दोस्त है। तो बीडी जो है पिप की बहन की बहुत ज़्यादा सेवा करती है, ठीक है, बीडी कौन है, पिप की बहन की बहुत ज़्यादा सेवा करती है, पिप की दोस्त है। और ओरलिक कौन है, ओरलिक जो है जो का नौकर है, जो बिल्कुल जो को पसंद नहीं करता है और उसकी बहन के सिर पर कुछ मार देता है। फिर एक दिन क्या होता है कि मिस्टर जेगर्स एक लॉयर है, वो पिप को आकर बोलता है कि तुम पढ़ो लिखो और खूब खर्च करो, एक गुमनाम व्यक्ति तुम्हारा खर्च उठाएगा, तुम पढ़ने के लिए कहीं भी जा सकते हो। तो पिप क्या सोचता है, पिप क्या होता है, पिप तो बहुत खुश होता है, वो सोचता है कि हाँ मैं बाहर पढ़ने के लिए जाऊँगा और अपना स्टेटस को भी बड़ा बना लूँगा, यानी कि बहुत खुश होता है। और पिप तो फटाफट लंदन चला जाता है, लेकिन पिप का जीजा जी और जो बीडी पिप की दोस्त है, वो दोनों नहीं चाहते हैं कि पिप लंदन चला जाए, लेकिन पिप किसी की नहीं सुनता है और पढ़ने के लिए लंदन चला जाता है। पिप इस गलतफहमी में रहता है कि मिस हैविशम एक गुमनाम शख्स है, जो उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उठा रहा है, वो इसी गलतफहमी में रहता है। पिप फिर क्या होता है, पिप लंदन चला जाता है, और पिप लंदन चला जाता है मैथ्यू पॉकेट के साथ, और फिर वहां पर मैथ्यू पॉकेट के बेटे हर्बर्ट पॉकेट के साथ रहता है। और बहुत ज़्यादा फिर क्या होता है कि जब पिप पढ़ने लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा उसके खर्च बढ़ जाते हैं, वो उसे बुरी लत लग जाती हैं, और वो
मतलब उसमें गुरूर भी आ जाता है, घमंड भी आ जाता है, पिप के बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि पिप का जीजा जी लंदन पिप से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन पिप उनसे ठीक से बात नहीं करता है। पिप के खर्च इतने बढ़ जाते हैं कि वो जो है किस मतलब उसमें गुरूर इतना आ जाता है कि वो किस अपने जहाँ पर अपने गांव पर भी आना पसंद नहीं करता। फिर जब उसको पता चलता है कि उसकी बहन जो गार्गेरी मर चुकी है, तो वो उसको देखने के लिए आता है। तब वो तब भी यही गलत फहमी में रहता है कि मिस हैविशम उसका खर्च उठा रही है। तब जब वो वहाँ पर जाता है अपनी दीदी के मनने माने पर, जब वो मिस हैविशम के घर जाता है, तो वो देखता है कि एस्टला की शादी हो चुकी है, एस्टला की शादी हो चुकी है, और एस्टला की शादी हुई है बेंटले ड्रम्बल नाम के एक अमीर शख्स से, जो है मिस हैविशम उसकी शादी कर देती है एस्टला की। ठीक है, फिर क्या होता है कि मिस हैविशम भी मर जाती है। और मिस हैविशम उसको ये भी बताती है कि एस्टला उसकी रियल डॉटर नहीं है, यानी कि वो उसकी अडॉप्टेड डॉटर है। और उसने जो वकील था जिसने पिप को आकर के बताया था कि कोई गुमनाम शख्स तुम्हारी पढ़ाई का सारा खर्च उठाएगा, तो उसी शख्स ने जो है एस्टला को मुझे ला करके दिया, जिसका नाम क्या था, मिस्टर जेगर्स ने यानी कि जो है एस्टला को ला करके दिया था। फिर क्या होता है कि पिप जो है मिस्टर जेगर्स के पास जाता है और पूछता है कि एस्टला कौन है। तो मिस्टर जेगर्स बताता है कि जो एस्टला है वो मेरे नौकरानी की बेटी है, जिसका नाम था मोली, यानी कि एस्टला की जो रियल मदर है उसका नाम था मोली, और मोली जो है मोली का हस्बैंड वही शख्स है जिसने जो उसका गुमनाम बनकर उसका खर्च उठा रहा था, यानी कि उसको पढ़ा रहा था। तो वो कौन था, अब मैं आपको कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट है मैं बता देती हूँ, कि वही शख्स जिसको वही क्रिमिनल जिसको पिप ने खाना ले जा करके दिया था और उसकी जंजीरें काटने के लिए उजार दिया था, वही शख्स पिप की एहसान का बदला चुकाने के लिए पिप को पढ़ाई करता है, उसको एक जेंटलमैन बनाना चाहता है, और वही शख्स एस्टला का पिता था। वो भी एक बार लंदन में पिप से मिलने जाता है, पिप उसको पहचान नहीं पाता है, फिर उसको देश निकाला हो जाता है, फिर से उसको पुलिस पकड़ लेती है। जब पिप को पता चलता है कि यही एस्टला का पिता है, तो वो उस शख्स के पास जाता है, मिस्टर मैगविच के पास जाता है, और कहता है कि तुम्हारी जो बेटी है एस्टला वो ठीक है, ऐसे वगैरह वगैरह दुनिया भर की बातें उसको बताता है कि वो सही है और उसकी शादी हो चुकी है। मिस्टर मैगविच बहुत ज़्यादा खुश होता है। फिर पिप पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाता है, क्योंकि वो खर्च बहुत ज़्यादा करने लगता है, तो उस पर बहुत कर्ज हो जाता है। फिर उसका जीजा लंदन जाता है और उसके सारे कर्ज चुका करके उसको गांव में वापस ले आता है। जब पिप गांव में आता है, तो वो देखता है कि एस्टला की भी शादी हो चुकी है, और जो उसकी दोस्त थी बिडी, वो चाहता है सोचता है कि चलो अब मैं बिडी से ही शादी कर लेता हूँ, लेकिन वो देखता है कि उसके जीजा ने बिडी से शादी कर ली है। अब पिप के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि पिप एस्टला को चाहता था, उसकी भी शादी हो चुकी है, अब उसने सोचा कि अब एस्टला के हो गए तो चलो बीडी से ही कर लेता हूँ, लेकिन बीडी की भी शादी हो जाती है, बीडी की शादी उसके जीजा जी से हो जाती है, तो अब पिप बेचारा रह गया अकेला। तो फिर पिप जो है एक मर्चेंट बनने के लिए 11 साल के लिए फिर से चला जाता है बाहर। जब पिप 11 साल के बाद लौटता है, तो उसको एस्टला दिखती है, और एस्टला फिर उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे आज भी इतना ही प्यार करते हो। और फिर जो कहानी का एंडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होती है, एस्टला और पिप दोनों गार्डन में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए घूम रहे हैं। तो ये थी इसकी स्टोरी। अब मैं आपको सीरियल से एक एक करके इसका कैरेक्टर बता देती हूँ। एस्टला मिस हैविशम्स ब्यूटीफुल यंग वर्ल्ड, एस्टला इज पिप्स अनअटेनेबल ड्रीम थ्रूआउट द नॉवेल। मिस हैविशम्स की जो है एक सुंदर यंग वर्ल्ड है, जो एस्टला क्या है, एस्टला पिप के अनअटेनेबल ड्रीम है, एक ना प्राप्त होने वाला सपना है थ्रू आउट द नॉवेल, पूरे नॉवेल में। ही लव्स हर पैशनेटली, वो उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बट किंतु थो शी समटाइम्स सीम्स टू कंसिडर हिम ए
ही माई फ्रेंड, वो सिर्फ उसको एक फ्रेंड मानती है. शी इज़ यूजली कॉल्ड क्रूअल एंड अनइंटरेस्टेड इन हिम. वो हमेशा जो है कि क्रूअल की तरह उसके साथ यानी कि पीप के साथ व्यवहार करती है और अनइंटरेस्टेड इन हिम और उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखती है. एज द ग्रो अप, जैसे वो बड़े होते हैं साथ साथ, शी रिपीटेडली वॉर्न्स हिम दैट शी डज नॉट लाइक हिम. वो हमेशा उसको कहती रहती है कि वो उसको पसंद नहीं करती है. अगला कैरेक्टर है मिस हैविशम. मैंने आपको बताया मिस हैविशम वही लेडी है जिसकी बारात वापस चली जाती है यानी कि उसकी शादी नहीं हो पाती है. वो मर्दों से बहुत ज़्यादा नफरत करती है. मिस हैविशम इज द वेल्थी इसेंट्रिक ओल्ड वीमैन हु लिव्स इन अ मैनर कॉल्ड सेटिस हाउस नियर पिप्स विलेज. देखिए मिस हैविशम इज अ वेल्थी, एक बहुत धनवान इसेंट्रिक यानी कि सन की ओल्ड वीमैन है, बूढ़ी स्त्री, हु लिव्स इन मैनर कॉल्ड, जो मैनर में रहती है, सेटिस हाउस नियर पिप्स विलेज, जो पिप्स के गांव के पास है. शी इज मैनिक एंड ऑफन सीम्स इनसैन. वो मैनिक है, वो एक सन की स्त्री है और हमेशा पागलों की तरह दिखती है. फ्लिटिंग अराउंड हर हाउस इन ए फेडेड वेडिंग ड्रेस. और हमेशा वो एक वेडिंग ड्रेस पहने रहती है, मतलब जब से उसकी शादी जो है कैंसिल हुई है तभी से वो एक वेडिंग ड्रेस पहन कर रखती है. कीपिंग ए डिकेइंग फीस्ट ऑन अ टेबल एंड सराउंडिंग हर सेल्फ विद क्लॉक्स स्टॉप्ड एट 20 minutes to 9. एज ए यंग वीमैन मिस हैविशम वॉज जीटेड बाई हर फियोन्सी मिनट्स बिफोर हर वेडिंग एंड नाउ. देखिए क्या होता है कि मिस हैविशम की शादी हो रही होती है लेकिन शादी से कुछ ही मिनट पहले उसका फियोन्सी उसको रिजेक्ट कर देता है उसकी शादी से पहले. नाउ अब शी हैज ए वेंडेटा अगेंस्ट ऑल मैन. और इसीलिए वो सभी मर्दों के प्रति नफरत रखती है. शी डेलिबरेटली राइजेस स्टेला टू बी द टूल ऑफ हर रिवेंज. और इसीलिए वो एस्टेला को अडॉप्ट करती है और उसको इसीलिए बड़ा करती है ताकि वो बड़ी होकर के मर्दों से बदला ले सके, उनको धोखा दे सके, जैसे कि उसके फियोन्सी ने उसको दिया. टूल ऑफ हर रिवेंज, ट्रेनिंग हर ब्यूटीफुल वार्ड टू ब्रेक मैंस हर्ट. और वो भी इसी तरह से मर्दों का दिल तोड़ सके जैसे कि मिस हैविशम का उसके फियोन्सी के द्वारा तोड़ा गया. अब आता है अगला कैरेक्टर. देखिए कौन कौन सा कैरेक्टर हुआ. पिप हुआ जो हीरो है, एस्टेला जो जिसको पिप बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता है, ठीक है. और दूसरा तीसरा कैरेक्टर हमने बताया था मिस हैविशम, वो स्त्री जो वेडिंग ड्रेस पहने हुए होती है और उसका फियोन्सी उसको शादी से कुछ ही मिनट्स पहले रिजेक्ट कर देता है और शादी नहीं करता है. अब अगला कैरेक्टर आता है एबल मैगविच. एक कन्विक्ट यानी कि एक क्रिमिनल होता है, वही क्रिमिनल जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसको ले जाकर के पिप खाना देता है और उसकी जंजीरें काटता है. और वही गुमनाम व्यक्ति पिप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, उसको पढ़ाता है, लिखाता है और उसका खर्च गुमनाम शख्सियत के नाम से उसका खर्च उठाता है. ए फियरसम क्रिमिनल मैगविच एस्केप फ्रॉम प्रिजन एट द बिगिनिंग ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड टेरोराइज पिप इन द सिमेट्री. देखिए एक फियरसम क्रिमिनल है मैगविच जो जेल से भागता है और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के शुरू में ही बताया जाता है कि जब पिप सिमेट्री में होता है यानी कि कब्रिस्तान में होता है, चर्च में वहाँ होता है, अपने माता पिता की कब्र पर जाता है वो, तभी उसको ये एबल मैगविच मिलता है. पिप्स काइंडनेस हाउएवर मेक्स ए डीप इम्प्रेशन ऑन हिम. उसका जो काइंडनेस है वो उस पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन डालता है. एंड ही सबसिक्वेंटली टुवर्ड्स हिमसेल्फ टू मेकिंग ए फॉर्च्यून एंड यूजिंग इट टू इल एलिवेट पिप इन टू ए हायर सोशल क्लास. बिहाइंड द सीन्स ही बिकम पिप्स सीक्रेट बेनिफैक्टर. और इसीलिए वो जब पिप उसकी सहायता करता है, उसको खाने के लिए देता है, तो वो एक बहुत काइंड हार्टेड व्यक्ति था जो क्रिमिनल था एबल मैगविच. तो वो पिप की सहायता करना चाहता है सीक्रेटली और इसीलिए वो पिप को पढ़ाता है. देखिए यहाँ देख ली, ही बिकम पिप्स सीक्रेट बेनिफैक्टर.
वो पिप का सीक्रेट बेनिफैक्टर बनता है. फंडिंग पिप्स एजुकेशन एंड ओपलेंट लाइफ स्टाइल इन लंडन थ्रू द लॉयर जेगस. जेगस के द्वारा वो सीक्रेटली उसका एजुकेशन फंडिंग करता है, उसके एजुकेशन का खर्च उठाता है और उसको एक अच्छा लाइफ स्टाइल देता है. किसको? पिप को. नेक्स्ट है जो गार्गरी. कौन है जो गार्गरी? पिप्स ब्रदर इन लॉ, यानी कि पिप के जीजा जी. द विलेज ब्लैक स्मिथ जो, जो गांव का ब्लैक स्मिथ है, लोहार है. जो स्टेज विद हिज ओवर बियरिंग अब्यूजिंग वाइफ नोन एज मिसेज जो, और उसकी बीवी का क्या नाम है? मिसेज जो गायगेरी. जो एक अब्यूजिंग बहुत गुस्सीली लेडी है. स्टोली आउट ऑफ लव फॉर पिप जोस क्वाइट गुडनेस मेक्स हिम वन ऑफ द फ्यू कंप्लीटली सिंपैथेटिक कैरेक्टर्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस. ऑल्दो ही इज अनएजुकेटेड एंड अनरिफाइंड ही कंसिस्टेंटली एक्ट्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ दोज ही लव्स एंड सफर्स इन साइलेंस व्हेन पिप ट्रीट्स हिम कॉल्डली. देखिए, यद्यपि वो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होता है पिप का जो जीजा है जो गार्गेरी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और वो उन लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है. उन लोगों से भी प्रेम करता है जो उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं, और जिन लोगों को वो प्रेम करता है उनकी हर गलती को वो सफ़र साइलेंटली, बहुत साइलेंटली सफ़र करता है, सहन करता है. और जब पिप उससे बहुत ज़्यादा र्यूडली बात करता है वो उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है. अगला कैरेक्टर है मिसेस जो, यानी कि मिसेस जो गार्गेरी, जो पिप की दीदी है, पिप सिस्टर एंड जोज वाइफ, जो पिप की बहन और जो की वाइफ है. नोन ओनली एज मिसेस जो थ्रू आउट द नॉवल, जो पूरे नॉवल में मिसेस जो के नाम से जानी जाती है. मिसेस जो इज ए स्टर्न एंड ओवर बियरिंग फिगर टू बोथ पिप एंड जो. वो एक ओवर बियरिंग फिगर है बोथ और जो दोनों के लिए. शी कीप्स ए स्पॉटलेस हाउस होल्ड एंड फ्रीक्वेंटली मेंशंस हर हस्बैंड एंड हर ब्रदर विद हर कैन विच शी कॉल्स टिकलर. शी ऑल्सो फोर्सेस देम टू ड्रिंक अ फॉल टेस्टिंग कॉन्कोक्शन कॉल्ड तार वाटर. मिसेज जो इज पैटी एंड एम्बिजुअस. हर फॉन्डेस्ट विश इज टू बी समथिंग मोर देन वॉट शी इज द वाइफ ऑफ द विलेज ब्लैक स्मिथ. वो सब अचीव करना चाहती है जिसकी, मतलब वो ज़्यादा उम्मीदें रखती है जितना एक गांव का लुहार के पास होना चाहिए, वो उससे ज़्यादा रखने की उम्मीद रखती है. नेक्स्ट कैरेक्टर है अंकल पंबलचूक. पिप्स पॉम्पस एरोगेंट अंकल. ही इज एक्चुअली जोज अंकल एंड देयरफॉर पिप्स अंकल इन लॉ, बट पिप इन हिज सिस्टर बोथ कॉल हिम अंकल पंबलचूक. A merchant obsessed with money, Pumblechook is responsible for arranging Pip's first meeting with Miss Havisham. देखिए, ये वही अंकल है जो पिप की बहन को आकर के बताता है कि पिप को काम दिलवा सकता है मिस हैविशम के घर. तो उस अंकल का क्या नाम है? अंकल पंबलचूक. अगला कैरेक्टर है कॉम्पेसन. देखिए, कॉम्पेसन एक क्रिमिनल है. एक तो है एबल मैगविच, वो क्रिमिनल जिसको ले जाकर के पिप खाना देता है, और एक दूसरा क्रिमिनल है कॉम्पेसन. ये वो क्रिमिनल है जब अगले दिन एबल मैगविच यानी कि वो क्रिमिनल पकड़ा जाता है इस क्रिमिनल से लड़ते हुए, यानी कि कॉम्पेसन से लड़ते हुए एबल मैगविच पकड़ा जाता है तब. तो वो वाला उस क्रिमिनल का क्या नाम है? कॉम्पेसन. नेक्स्ट है बेंटले ड्रम्पल. एन ओल्फिश unpleasant young man who attends touring sessions with Pip at the Pocket's house. Drumble is a minor member of the nobility and the sense of superiority this gives him makes him feel justified in acting cruelly and harshly toward everyone around him. Drumble eventually marries Estella. देखिए, Drumble कौन है? Drumble जो है Estella से शादी कर लेता है. जब Pip पढ़ने के लिए लंदन चला जाता है, वो एस्टला के लिए पढ़ता है, एस्टला के लिए अमीर होना चाहता है, अपने स्टेटस को हाई करना चाहता है. लेकिन क्या होता है कि एस्टला जो है ड्रमल से शादी कर लेती है जो एक अमीर व्यक्ति होता है. और जो ड्रमल है वो एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो एस्टला को बहुत ज्यादा मारता पीटता है और अच्छा नहीं रखता है. शी इज मिजरेबल इन देयर मैरिज एंड
reunites with Pip after Drummle dies some 11 years later. अगला कैरेक्टर है मोली, जेगर्स हाउसकीपर। देखिए, जो वकील पिप को आकर के बताता है कि एक सीक्रेटली व्यक्ति तुम्हारी सहायता करना चाहता है और तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहता है, वही वकील के घर में नौकरानी होती है मोली। उसका नाम क्या होता है? मोली। इन चैप्टर 48 पिप रियलाइजेज दैट शी इज एस्टेलाज मदर, और चैप्टर 48 में पिप को पता चलता है कि एस्टेला की मदर का नाम मोली है। ठीक है, आइए एक बार और समझ लें। जो वकील पिप को आकर के बताता है कि तुम्हारी एजुकेशन का खर्च उठाने के लिए एक व्यक्ति तैयार है जो गुमनाम है, उस वकील के घर की जो नौकरानी होती है मोली, ये उसका नाम है, उसकी नौकरानी का नाम। और ये आपको बता दूं कि मोली जो है एस्टेला की रियल मदर का नाम भी है। मोली जो है ये वही मोली है जो एस्टेला की रियल मदर है। मिस्टर वॉपसेल द चर्च क्लर्क इन पिप्स कंट्री टाउन, ये पिप की कंट्री टाउन का एक चर्च क्लर्क है। और मिस्टर वॉपसेल आंट इज द लोकल स्कूल टीचर है। समटाइम्स आफ्टर पिप बिकम्स अ जेंटलमैन, मिस्टर वॉपसेल मूव्स टू लंडन एंड बिकम्स एन एक्टर। स्टार्टअप ए फ्रेंड ऑफ पिप्स एंड हर बर्ड्स, स्टार्टअप इज ए डेलिकेट यंग मैन हु विद पिप एंड डम्बल टैक्स क्यूट लैद विद मैट्यू पॉकेट लेटर। स्टार्टअप हेल्प्स पिप एंड हर बर्ड विद मैगवीट्स एस्केप। मिस स्किफिन्स वेमकिस बिलव्ड एंड इवेंचुअल वाइफ। मिस स्किफिन्स कौन है? वेमिक्स बिलव्ड होती है और इवेंचुअल वाइफ भी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये थी हमारी आज का नॉवल, और ये इसके सारे कैरेक्टर्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, इसकी स्टोरी भी मैंने आपको बताई है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, नॉवल की स्टोरी आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपसे इसी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पुट अप करूंगी। उन क्वेश्चंस को आपको आंसर लिखना है, यानी कि आपको सोचना है कि इसका सही आंसर कौन सा होगा, तब आपको पता चलेगा कि आपने इस वीडियो से कितना सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट सेंचुरी आर द इवेंट्स ऑफ द नॉवल सेट इन। जो नॉवेल्स हैं वो, जो नॉवल के इवेंट्स हैं वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 19th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज पिप व्हेन मैगवीच रिटर्न्स टू लाइफ। तो इसका ऑप्शन नंबर बताएं आप, आपने पढ़ा है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, 23। पिप की एज उस टाइम पर 23 इयर्स की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज पिप मीट मैथ्यू पॉकेट। मैथ्यू पॉकेट से पिप कहाँ पर मिलता है? देखिए, मैथ्यू पॉकेट क्या है? वही मैथ्यू पॉकेट जिसके साथ पिप लंदन जाता है। तो पिप को कहाँ पर मिलता है? ऑक्सफोर्ड में, विंकेस्टर में, हैमरस्मिथ में। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, हैमरस्मिथ में। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, वेयर हैड पिप मेट हर्बर्ट Before they become roommates in London। देखिए, पिप जो है हर्बर्ट का रूममेट होता है, उससे पहले पिप से जो है हर्बर्ट कहां पर मिलता है? तो मिस हैविशम्स किचन, मिस हैविशम्स हाउस, मिस हैविशम्स गार्डन। तो इसका है ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, मिस हैविशम्स गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रियल नेम ऑफ पिप इन द नॉवेल। पिप का रियल नेम क्या होता है, यानी कि फुल नेम? पिप तो इसको शॉर्ट में कह देते हैं, एक निक नेम की तरह है पिप। इसका रियल नेम है फिलिप प्रिप। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, फिलिप प्रिप। नेक्स्ट है, व्हाट इज मिस्टर ट्रेब्स प्रोफेशन इन द नॉवेल। मिस्टर ट्रेबस की क्या प्रोफेशन है इस नॉवेल में? तो इसमें मिस्टर ट्रेब्स का
देखिए व्हाट इज द रियल नेम ऑफ पिप इन द नॉवेल. पिप का जो है रियल नेम क्या होता है इस नॉवेल में, उसका रियल नाम होता है फिलिप प्रिप. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मिस्टर ट्रैबल्स ट्रैप्स प्रोफेशन इन द नॉवेल. मिस्टर ट्रैप्स का क्या प्रोफेशन होता है इस नॉवेल में, टेलर का, पायलट का या डॉक्टर का? तो उनका जो प्रोफेशन होता है वो है टेलर का. तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है पिप्स राइज इन सोशल स्टेटस इज टेकन क्रेडिट बाय. पिप का जो सोशल स्टेटस राइज होता है, ऊपर उठता है, वो उसका क्रेडिट किसको जाता है, ऑर्लिक को, बिडी को या पंबलचूक को? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, पंबलचूक. कौन है पंबलचूक? वो अंकल होता है जो जो की बहन को, पिप की बहन को आकर के बताता है कि वो जो को मिस हैविशम के घर पे रखवा सकता है. जो वहां पर जाता है, सॉरी, पिप वहां पर जाता है, वो स्टेला को पसंद करता है. स्टेला उसको रिजेक्ट कर देती है उसका नीचा स्टेटस की वजह से. फिर उसके अंदर जो एक्सपेक्टेशंस आती हैं पिप के अंदर अपने स्टेटस के लिए, उसके अंदर नफरत हो जाती है, वो बड़ा आदमी बनना चाहता है. तो इसका सोशल स्टेटस टेकन क्रेडिट बाई पंबलचूक. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट है हु हेल्प्स पिप इन हिज एजुकेशन फ्रॉम द यंग एज. यंग एज में पिप की एजुकेशन में उसका कौन साथ देता है या उसको कौन जो है सपोर्ट करता है, मिस्टर मिसेस जो, बिडी या जो? तो इसका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिडी. अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो क्वेश्चंस का आंसर बताए वो गलत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताएं कि ये आपका यही आंसर सही है और उसके एक्सप्लेनेशन भी दे. I will be very glad to see your comment. Next है what can Mrs. Joe's behavior be best described as? Mrs. Joe का behavior कैसा है, या Mrs. Joe जो पिप की बहन है उसका behavior कैसा था? Kind था, angry था या nagging था? देखिए मुझे इसका ऑप्शन नंबर बी सही लगता है, एंग्री. लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है. अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, एंग्री, गुस्सेली बहन थी उसकी. तो ये भी सही है इसका और नैगिंग भी. अब बताइए आपको कौन सा सही लग रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए. नेक्स्ट है हुज़ फादर वॉज मिस्टर मैगविच. मैगविच किसके फादर थे? मैंने आपको बताया है मिस्टर मैगविच वही क्रिमिनल जो सीक्रेटली पिप की सहायता करता है, ठीक है? और पिप जिससे प्रेम करता है उसका क्या नाम है, स्टेला. और स्टेला के ही फादर होते हैं ये मिस्टर मैगविच. तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट, एस्टेला. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने क्रैक एक्सपेक्टेशंस यानी कि बहुत सी उम्मीदें जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया है, एक अच्छा नॉवल है, इसकी समरी बताई, इसकी स्टोरी बताई, इसका पब्लिकेशन का ईयर बताया और इसका पीरियड ऑफ टाइम बताया, ये कहाँ पर सेट किया गया, लंदन और कैंट में, ये सब बताया. और इसके बाद मैंने आपको 10 क्वेश्चंस पुट अप किए और उनके आंसर्स भी बताए. आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस का पूरी समरी आपको समझ में आ गई होगी. मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको इस नॉवल के बारे में पूरा बताऊं और उस कोशिश पर आपके जो मुझसे एक्सपेक्टेशंस हैं यानी कि उम्मीदें हैं, मैं उन पर खरी उतरूँ. लेकिन ये तो आप ही बता सकते हैं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आपके एक्सपेक्टेशंस पर मैं खरी उतरी हूँ या नहीं. तो कमेंट कीजिए और बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी. वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट भी करें. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो.